नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत ताज नगरी आगरा की खबर के साथ। अब ताजमहल का दीदार फ्री होगा। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अब सभी स्मारकों पर मुफ्त एंट्री कर दी गई है, जिसके बाद इसको लेकर लोग भी काफी खुश हैं। आज़ादी के 75वें साल पूरा होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ताजमहल, लाल किला समेत देश के सभी स्मारकों में फ्री एंट्री होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने संरक्षित सभी स्मारकों और स्थलों में 5 से 15 अगस्त तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ये भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य के तौर पर और आज़ादी अमृत महोत्सव समारोह के रूप में किया जा रहा है। एक ऑर्डर माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया था और उसके बाद वो ऑर्डर हम लोगों को भी सर्कुलेट हुआ है। हमने भी यहाँ के लोकल मीडिया ग्रुप में उसको सर्कुलेट किया है। देश भर में जितने भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक और संग्रहालय हैं, उन सभी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 5 तारीख से 15 तारीख तक निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था दी गई है। आगरा में ऐसी 8 मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे प्रवेश शुल्क लगता है, वो सभी फ्री रहेंगे दिन में विजिटर। आगरा में ताजमहल में एंट्री को लेकर एक बार फिर विवाद देखने को मिला है। दरअसल ये विवाद कपड़ों को लेकर जुड़ा है, जो कि इस बार सामने आ रहा है। ताजमहल में प्रवेश से रोकने पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार थाईलैंड के 6 पर्यटकों से को लेकर पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जानकारी के अनुसार थाईलैंड के 6 पर्यटकों का ग्रुप बुधवार को ताजमहल के दीदार के लिए पूर्वी गेट स्थित फैसिलिटी सेंटर पहुंचा, जहां पर CISF ने उनमें से मुखौटे और मेटल के मुकुट पहने 3 पर्यटकों को ताजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। जानकारी के मुताबिक पर्यटक ताजमहल में शूटिंग करने आए थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर पर्यटकों ने शूटिंग के लिए दशहरा घाट की शूटिंग करके चले गए। प्रयागराज में अब कुत्ता पालने वालों के लिए एक नई जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कुत्ता पालने पर टैक्स लगाया जाएगा, ऐसी खबर सामने आ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में कुत्ता पालकों को अब कुत्ते पालने पर कर चुकाना होगा। कुत्ता कर न चुकाने वाले कुत्ता पालकों को अगर सालाना कर नहीं चुकाया तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नगर निगम इसके लिए त्रिस्तरीय सदस्यीय टीम बनाया है, जो कि घर घर जाकर जांच कर रही है। बता दें कि कुत्ता पालकों को कुत्ता पालने के लिए सालाना 630 रुपये देने होंगे। अगर शहर में कुत्ता मालिक अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उन्हें 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी के कार्यालय से कुत्ता कर का टोकन दिया जा रहा है। नोएडा में मशहूर भजन सम्राट का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान भव्य तरीके से जन्मदिन का आयोजन हुआ। नोएडा में मशहूर भजन सम्राट और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अनूप जलोटा का जन्मदिन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने आयोजित किया। इस दौरान जन्म दिवस की पावन बेला पर भवन सम्राट अनूप जलोटा का फूल माला और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत हुआ। अपने जन्म उत्सव के मौके पर गायक अनूप जलोटा ने अपने भजन गाकर कार्यक्रम में आए दर्शकों का मनोरंजन किया और दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तमाम महफिलें होंगी, इसको प्रोग्राम होंगे और नीरज जी तो खुद गाते हैं, अपना ही गाना गाते रहेंगे, खुद गाते हैं इतना अच्छा। तो यहाँ इनका भी प्रोग्राम होगा, हमारा भी होगा और आर्टिस्ट भी आएंगे, बॉबी जी गाएंगे, सब लोग गाएंगे। सारा प्यार मिला जन्मदिन का। अरे बहुत प्यार मिला, देखिए ना, अब आप लोग भी सब आ गए। प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, हम लोग म्यूजिक एल्बम और छोटी शॉर्ट मूवीज और बड़ी मूवीज बनाते हैं और बहुत नए कलाकारों को चांस देते हैं। उसी कंपनी का हेड ऑफिस जो न्यू नोएडा में स्थित है, सेक्टर 63 में, आप उसी के ऑडिटोरियम में इस वक्त मौजूद हैं।
तो आज इस ऑडिटोरियम का, जो कि आप नवनिर्मित ऑडिटोरियम देख रहे हैं छोटा सा, इसका शुभारंभ श्री अनूप जलोटा जी, जो कि पद्मश्री भी हैं और भजन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आदरणीय जलोटा जी हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं यहाँ पे आए और अपने संगीत के, अपने गीतों के द्वारा, अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमें आशीर्वाद दिया और हमारे इस ऑडिटोरियम का रिबन काट के आज उन्होंने शुभारंभ किया, तो उसके लिए मैं दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं चाहूँगा आगे भी वो इस प्रकार से, जो भी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े स्टार सितारे हैं, वो यहाँ पे अपने पदार्पण करें और हमें अपने आशीर्वाद से और अपने जो जो भी उनकी कला है उससे अनुग्रहित करें। गोंडा में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। इस दौरान कैप्टन विकास भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान पौधारोपण भी किया। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर यूपी के कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता गोंडा पहुंचे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने तुलसीदास की जन्मभूमि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। विकास गुप्ता ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुकर खेत का वर्णन रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में मिलता है। रामचरित्र तुलसीदास का भी इस क्षेत्र से काफी जुड़ाव रहा, इसीलिए तुलसीदास की जन्मस्थलीय सुकर खेत में होने का प्रमाण है। इसकी गहराई से पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ के मनीषियों को रिसर्च करके सच्चाई को लाना चाहिए। आज मुझे पहली बार पता चला कि सुकर खेत के बारे में स्वयं तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में उसका वर्णन किया है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी का इस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। रही बात कि वो यहाँ पर उनकी जन्मस्थली है या नहीं है, ये इतिहास का विषय है और यहाँ के आप जैसे जो मनीषी लोग हैं इस क्षेत्र के हैं, वो यहाँ पर रिसर्च करें और अगर यहाँ पर उनके प्रमाण हैं, प्रमाण तो वैसे प्रत्यक्ष को कोई जरूरत नहीं है, स्वयं उन्होंने अपने सुंदरकांड के दोहों में क्षेत्र का वर्णन किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत गहराई से उनका गोस्वामी तुलसीदास जी का इस क्षेत्र से जुड़ाव है। संबल में बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष हादसे का शिकार हो गई। दरअसल उनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में पलट गई। संबल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष की गाड़ी ग्राम मंडलाई बाईपास के समीप बेकाबू होकर खाई में पलट गई। हादसे में बीजेपी महिला अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला अध्यक्ष पुष्पलता पाल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुष्पलता पाल जी हैं और पूर्व में महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष रही हैं और ये चंदौसी से जयपाल सिंह पाल जी हैं मंडल अध्यक्ष असमोली के, उनके से मिलने जा रहे हैं। मंडलाई के आसपास कहीं जो है इनकी गाड़ी जो है किसी तरह ओवरटेक हुई, पता ना क्या हुआ, मैं तो नहीं था, पर आज जो खंदी में पलट गई। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पतंजलि स्टोर में लूट करने वालों को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इंदिरापुरम पुलिस ने वसुंधरा ग्रीन बेल्ट एरिया के साई मंदिर रोड से मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। इसकी पहचान करीब 3 सप्ताह पहले वसुंधरा स्थित पतंजलि स्टोर में बुजुर्ग को बंदूक दिखाकर नकदी और चांदी का सिक्का लूटने वाले विनीत उर्फ विन्नी के रूप में हुई। पुलिस को बदमाश के पास से नकदी चोरी की बाइक और एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में विनीत ने बताया कि उसने 14 जुलाई को वसुंधरा के पतंजलि स्टोर में अपने साथी अजय उर्फ लालू के साथ मिलकर बुजुर्ग से हथियारों के दम पर 3,300 रुपए की लूट की। पुलिस को विनीत के पास से 800 नकदी, एक चोरी की बाइक, 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। दिनांक 14/7/2022 को सुबह 10:30 बजे सूचना मिली कि वसुंधरा छत में मेवाड़ स्कूल के सामने एक पतंजलि स्टोर है जहां पे लूट की घटना कारित की गई है और उस घटना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद लगातार पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खंगाले गए, तो उसमें CCTV के आधार पर दो बदमाशों की शिनाख्त हुई, जिसमें से अभी 2 दिन पहले एक बदमाश जो विनीत और बिन्नी था वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई थी। उसके बाद से उसी दिन अजय उर्फ लल्लू फरार हो गया था, लालू, जिसके लिए पुलिस टीम लगातार लगी हुई थी और इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको आज पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में सफलता पाई गई है, जिसमें इसके पास से तमंचा जो उस दिन घटना में प्रयुक्त हुआ था और जो लूटे गए पैसे थे 3,300 रुपये जो इन्होंने बताए थे अपने बयान में, उसके 950 रुपये बरामद हुए।
तो जैसा कि आपने देखा कि गाजियाबाद पुलिस को कैसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।